Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार आज इस लेक्चर श्रृंखला में हम लोग कृषक इतिहास के ऊपर केंद्रित इतिहास लेखन की बात करेंगे यह आधुनिक भारत औपनिवेशिक भारत के ऊपर केंद्रित लेक्चर श्रृंखला है और बातचीत शुरू करने से पहले यह बहुत एक सामान्य ज्ञान सा लगता है फिर भी बार बार दोहराए जाने की ज़रूरत है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं आज भी आज़ादी के पचहत्तर साल होने के बाद भी महज एक तिहाई जनता ही शहरों में रहती है 31 बत्तीस प्रतिशत जनता यदि 2011 के सेंसस की के आंकड़ों की बात करें तो तो दो तिहाई से अधिक जनता गांव में रहती है जब इतनी बड़ी जनता गांव में रहती है तो हम भारतीय समाज के भारतीय इतिहास के किसी भी पक्ष की बात करें वह बाय डिफॉल्ट उसका एक बड़ा हिस्सा कृषक समाज कृषक समुदाय के इतिहास से जुड़ जाता है और यह बात शुरू में कह देने की इसलिए ज़रूरत है आज के इस लेक्चर में क्योंकि आप में से कई पाएंगे कि कुछ बातें जो मैं आज करने जा रहा हूँ वह प्रकारांतर से हम लोग अन्य लेक्चर में भी कर चुके हैं और यह इसलिए भी जरूरी है कि कृषक समाज को और इसके इतिहास लेखन को हम किसी आइसोलेशन में न देखें असंपृक्त होकर न देखें इसके तार श्रमिक इतिहास से जुड़ जाते हैं उपाश्रय चेतना के इतिहास से जुड़ जाते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधीवादी आंदोलन से जुड़ जाते हैं तो इसलिए भी यह शुरू में ताकीद कर देना ज़रूरी है कि जब भारत की दो तिहाई से अधिक जनता गांव में रहती है ग्रामीण समाज है तो फिर यह जो कृषक इतिहास या कृषक विमर्श पिजेंट स्टडीज़ इसकी अलग से एक एनालिटिकल कैटेगरी या एक सब डिसिप्लिन की तरह जो इसका प्रादुर्भाव और विकास हुआ वह खास समय और खास ऐतिहासिक परिदृष्टि में बैकग्राउंड में वह आकार लेता गया और फिर इस तरह के कैटेगरीज़ को कई बार अकादमिक विद्वानों ने रिजिड समझकर रूट समझकर उससे मुंह मोड़ना भी शुरू किया इसका यह कतई मतलब नहीं है कि मैं किसानों किसान समुदाय कृषक समुदाय का यह जो जो शब्द है या जो पद है उसके खिलाफ हूँ कतई नहीं किसान समुदाय एक समुदाय के रूप में हमारे लिए आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आज से पचास साल पहले या सौ साल पहले था लेकिन किन कारणों से इतिहास में एक खास समय में एक खास तरह का विषय उभर कर आता है फिर वही विषय दूसरा रूप ले लेता है और इन्हीं सब मुद्दों को जानने के लिए इतिहास लेखन की समझ खासकर इतिहास लेखन की बदलती प्रवृत्तियों की समझ हमारे लिए मानीखेज हो जाता है तो यहाँ से यदि हम बात शुरू करें और भारतीय परिस्थिति में बहुत दिलचस्प है कि जब अंग्रेज आए या आज भी विद्वानों के लिए एक बड़ा पहेली सा उनके लिए यह रहा कि यह प्रश्न रहा कि यूरोप में जहाँ औद्योगिक क्रांति के बाद एक समुदाय के रूप में एक कम्युनिटी के रूप में किसान का कायांतरण हो चुका था और एक लंबी प्रक्रिया ऐतिहासिक प्रक्रिया वहाँ हम पाते हैं जिसे इतिहासकारों ने सामंतवाद से पूंजीवाद के संक्रमण के रूप में देखा है ग्रामीण इलाकों से सरप्लस लेबर मुक्त होकर शहरी इलाकों में गए और वहाँ फिर औद्योगिकरण में एक सस्ते श्रमिक वर्ग को मुहैया कराया और वो पूरा एक इतिहास है लेकिन उस यूरोपीय ऐतिहासिक अनुभव के विपरीत भारत में हम ऐसा नहीं पाए भारत में यह किसान वर्ग का कायांतरण नहीं हुआ तो यह जो पहली बनी रही और इसके कई अलग अलग स्तरों पर इतिहासकारों ने समाजशास्त्रियों ने इसकी विवेचना की है जैसे यहाँ यह जो आप कुछ लोगों ने इनकम्प्लीट ट्रांजिशन माना इसको कुछ ने इसे कंटिन्यूएशन ऑफ प्री कैपिटलिस्ट फॉर्म्स माना आप जो भी कहें यहाँ दो स्तर हमारे सामने खुलते हैं पहला तो एक आधुनिक प्रजातंत्रिक लैंडस्केप है जो बुर्जुआ मध्यवर्गीय है और इसके मूल्य इसकी संरचना उस आधुनिक प्रजातांत्रिक व्याकरण के तहत हो रही है कानून का दायरा है राष्ट्र राज्य का दायरा है और दूसरी तरफ दूसरे स्तर पर किसानों की राजनीतिक गतिविधियों की जमीन है उनकी अपनी राजनीतिक शब्दावली है उनका जीवन है और इस दो के बीच खाई नजर आती है जहाँ फ्रांस में 18वीं-19वीं सदी में पीजेंट्स का ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेंच मैन के रूप में हम पाते हैं खासकर 18वीं सदी के अंतिम दशक से मैं बात कर रहा हूँ फ्रांसीसी क्रांति के बाद से और 19वीं 19वीं सदी के बेहतर कालखंड में लेकिन भारत में इस कृषक समुदाय का आधुनिक नागरिक के व्यक्तित्व में कायांतरण की जब बात करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं फर्क नज़र आता है एक तरह का ट्रांजिशन आज भी कायम है यदि इसे ट्रांजिशन कहें दूसरी तरफ से देखें तो यहां की राजनीति इस फर्क के कारण एक अलग ही विशिष्टता के साथ हमारे सामने आती है और उस विशिष्टता के नजरिए से हम देखें तो ये कोई ट्रांजिशन नहीं है क्योंकि ट्रांजिशन का अर्थ है कि आप पहले ही से सोच लेते हैं कि एक खास गंतव्य है आधुनिकता की एक नॉर्मेटिव संकल्पना है और वहाँ तक पहुँच कर जाना है वह यात्रा तय करनी है लेकिन यहाँ की अपनी माटी पानी की अपनी विशिष्टता है और इस विशिष्टता के जरिए ही हमें आधुनिकता की संकल्पना को आधुनिकता के इतिहास को औपनिवेशिक संदर्भों में औपनिवेशिक समाज के संदर्भों में समझने की जरूरत होगी तो ये एक विस्तृत फलक है जो हमारे इतिहास की समझ को भी इतिहास के विवादों को भी स्वरूपित करता रहा है और इसलिए इसको संक्षेप में ही इसका जिक्र कर देना मैंने यहाँ उचित समझा और इन सब के नीचे सतह पर एक ओवर आर्चिंग एक व्याप्त अवधारणा रही प्रचलित अवधारणा रही कि भारतीय किसान भोले भाले सरल इंसान होते हैं और यह जो किसानों का सरल भोला भाला छवि यह कोई आज की देन है ऐसी बात नहीं है यह पिछले 200 साल के औपनिवेशिक वैचारिकी की समझ है और यह वह जमीन है पिछले 200 साल का यह वैचारिकी का जमीन यह विमर्श जिसने कृषक इतिहास लेखन को मूल रूप से स्वरूपित किया लेकिन क्या यह वैचारिकी की जमीन ठहरी हुई जमीन है क्या हमारी संकल्पना ठहरी हुई है किसानों के बारे में कतई नहीं यह बदलती रही है और इसके जो बदलते आयाम हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण पड़ाव बिंदु भी हमारे सामने आते हैं जिनके बारे में हम आज यहाँ बात करने आए हैं तो हमारा हमारी जो यह इतिहास लेखन की यात्रा है आज की यह एक बार फिर से हम 19वीं सदी से शुरुआत करते हैं इसकी और बहुत शुरू में ही 19वीं सदी के बहुत शुरू में ही हम चार्ल्स मेटकॉफ की तरफ इशारा करना चाहते हैं उन्होंने 1810 में पहली बार ब्रिटिश इंक्वायरी कमिटी में विलेज रिपब्लिक शब्द का प्रयोग किया और जितनी बातें मैंने अभी तक कही इस के पीछे कहीं ना कहीं वह ग्राम समुदाय की अवधारणा रही जो कि जब चार्ल्स मेटकॉफ 1810 में इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वहाँ से हम पाते हैं कि जो अंग्रेज विद्वानों सरकार सरकारी अफसरों की जो जो यह समझ बनी उसमें अपरिवर्तनशील ग्राम समुदाय जो आत्मनिर्भर है आत्मसंतुष्ट है जो असंपृक्त है बाहरी दुनिया से जो जरूरत है यह छवि बनी और यह छवि हम देखेंगे कि किस तरह से किसानों के सरल और भोले भाले छवि के के जड़ में है और दोनों का इतिहास जुड़ा हुआ है और पूरी 19वीं सदी में या बाद तक भी 20वीं सदी में भी यह जो आत्मनिर्भर असंपृक्त जरबत ग्रामीण समुदाय है इसकी इस छवि का बोलबाला रहा और इसी की भिन्न रूपों में यह यूरोप में मार्क्स और हेगेल के विचारों उनके सिद्धांतों का भी आधार बना जब वे ओरिएंटल समाज प्राचीन समाज या फिर एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं और क्यों प्राच्य समाज परिवर्तनशील विकासशील नहीं हुआ हेगल के वांग्मय में या फिर एशियाटिक समाज क्यों अपने को पूंजीवादी समाज औद्योगिक समाज में परिवर्तित करने में नाकामयाब रहा मार्क्स के फ्रेम में उनकी चिंताओं में तो इन सब में कहीं न कहीं यह जो जरूरत ग्रामीण समुदाय है वह केंद्र में रहा यहाँ मैं जाहिर सी बात है बहुत विस्तार से इस विषय पर नहीं जाऊंगा क्योंकि हमें आगे अभी 200 साल का की वैचारिकी को रेखांकित करना है लेकिन इस 19वीं सदी के वैचारिकी में हम फिर मोनियर विलियम्स के राइटिंग्स को देखते हैं अठारह में जहां वो एक बार फिर से बता रहे हैं कि मनु संहिता में वर्णित ग्राम समुदाय अब तक पिछले 2000 सालों में अपरिवर्तित रहा जरूरत रहा और इससे जुड़ा हुआ इस असंप्रक्त जड़वत समाज की अवधारणा से जुड़ा हुआ मुद्दा रहा कि जो छवि उभर कर आई कि गांव जहां एक तरफ स्वाभाविक सामाजिक और स्थायी एक स्टेबल यूनिट रहा भारतीय इतिहास में वहीं दूसरी तरफ राज्य इम्पोज या कृत्रिम रहा और बदलता रहा परिवर्तनशील रहा तो यह जो एक तरफ गांव है और दूसरे तरफ राज्य है एक तरफ ग्रामीण समुदाय है और दूसरे तरफ साम्राज्य राजनीतिक इकाई और इन दोनों के बीच में कोई तार सैद्धांतिक तार हमें 19वीं सदी के वैचारिकी में नजर नहीं आता है यह जो असंपृकता की बात है यही हमने पहले के लेक्चर्स में जब 19वीं सदी में हम बंकिम चंद्र की बात कर रहे थे उनके विचारों की बात कर रहे थे तो आप में से बहुतों को याद होगा कि किस तरह से उन्होंने कुछ इसी तरह का भारतीय समाज का मॉडल उन्होंने पेश किया था बहरहाल यहाँ पर एक और जो प्रश्न 19वीं सदी में जिसे जूझते हुए हम पाते हैं वह यह कि इस जो पृथक पृथक इकाई है गांव और राज्य की जहाँ फसल का एक बड़ा हिस्सा राजा को चला जाता है तो उससे जुड़ा हुआ मूल सवाल यह उभर कर आता है उस समय कि गांव की जमीन का स्वामित्व किसके पास है और एक आम कंसेंसस हम पाते हैं कि किसान अपनी भूमि के मालिक नहीं उन्हें महज जोतने का कस्टमरी राइट्स कह सकते हैं उसके उपयोग का हक है हक था और वास्तविक भूमि का मालिक या तो राजा या ईश्वर यहां इस वैचारिकी के कारण इस सैद्धांतिक जो अवधारणा के कारण भी यह माना गया कि क्योंकि किसानों की जमीन पर उनका कोई हक नहीं इसीलिए उनमें अधिक उपज पैदा करने की जो स्वाभाविक इच्छा या लाभ कमाने की जो स्वाभाविक इच्छा वह कभी नहीं रही और इस कारण भी एक जो डिफरेंशियल प्रोड्यूस होना चाहिए वह नहीं हो पाया बहरहाल इस पूरे फलक में एक अगला पड़ाव हम बैडन पेबल के लेखनी से पाते हैं अठारह में उन्होंने बताया कि दरअसल यह जो समझ है हमारी अब तक की वह आर्यन संस्कृति आर्य संस्कृति केंद्रित समझ है जबकि हिंदुस्तान मूलतः द्रविड़ संस्कृति हिंदुस्तान में रहा न कि आर्य संस्कृति और यदि बहुत संक्षेप में मैं कहूं तो उन्होंने कहा कि यहां दो तरह के गांव हम पाते हैं एक तो ऐसा गांव जहां की स्वामित्व आरोपित वर्ग का रहा यह वर्ग जो माल गुजारी हासिल करता था इसे आप सामंत जमींदार या अन्य नामों से बात के दशकों में जाना जाता रहा और दूसरे वे गांव रहे जहां दरअसल खेत का मालिक किसान ही रहा रैयत रहा और इस तरह से दो किस्म के ग्रामीण समुदाय की अवधारणा बैन एंड पावल के काम से हम जानते हैं और इसका आधार कहीं न कहीं इस सब का सीधा ताल्लुक ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू नीतियों से रहा तो एक तरफ परमानेंट सेटलमेंट वाले गांव हुए और दूसरे तरफ रईत रह, रैयतवारी सेटलमेंट वाले गांव रहे साथ ही कुछ हिस्सों में महलवारी सेटलमेंट के गांव आए तो कम से कम हम इस तरह से 19वीं सदी के अंत तक आते आते ये तीन तरह के ग्रामीण समुदाय की संरचना देखते हैं इन सब यह जो 19वीं सदी के भीतर भी ये जो छोटे छोटे वैचारिकी के स्तर पर बदलाव हम पाते हैं उसको उनकी 19वीं सदी की पृष्ठभूमि में भी समझना जरूरी है अठारह में की क्रांति में कृषको कृषक समुदाय की भागीदारी रही खासकर वे क्षेत्र जो अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो इलाका रहा वहाँ की बात करें तो या अन्य दूसरे क्षेत्रों में भी उन परिस्थितियों को समझने की भी ज़रूरत महसूस की गई जिसके कारण किसानों में असंतोष अंग्रेजी सरकार को लेकर पनपा तो फिर अठारह में बंगाल में नील विद्रोह हुआ 1807 सात में नील दर्पण नामक बहुत प्रभावशाली नाटक दीनबंधु मित्रा ने लिखा तो यह सब एक इस पृष्ठभूमि में भी 19वीं सदी में कृषक समुदाय ग्रामीण समुदाय की अवधारणा उस वैचारिकी को समझने की जरूरत है पर अब भी मुकम्मल तौर पर भारतीय गांव का अध्ययन अकादमिक तरीके से हमें नौ के बराबर मिलता है और पहली बार 1918 में इतिहासकार आरसी मजुमदार मजूमदार ने प्राचीन भारत में के गांव का सिलसिलेवार अध्ययन किया एम्पेरिकल डिटेल अध्ययन और इसी समय राधा मुखर्जी जो सोशियोलॉजिस्ट हुए उन्होंने 1919 में बहुत इन्फ्लुएंशियल उनका शोध रहा और उन्होंने बताया कि यह जो असंपृक्त राज्य का मिथक 19वीं सदी में व्याप्त था वह एक भ्रामक था उसका ऐतिहासिक आधार नहीं था और उन्होंने दिखाया कि किस तरह से जिसे असंपृक्त गांव और राज्य माना जाता था और यह जो खाई बताई जाती थी उनके बीच गांव और राज्य के बीच संरचनाएं राजनीतिक संरचनाएं थीं राजनीतिक इकाइयां थी और जो कि इन दोनों को एक दूसरे से जोड़ती थी तो यह एक एक बड़ा पड़ाव हम पाते हैं इस बेचार की में और यही वे यही वह समय रहा जब 1917 में महात्मा गांधी चंपारण बिहार आए और वहाँ नील कृषकों के शोषण के खिलाफ आवाज उठाई और पहली बार हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में ग्रामीण समुदाय को जुड़ता हुआ देखते हैं और महात्मा गांधी ने जो इस समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ा यह दूसरे तरह से कहें तो इतिहास लेखन की दृष्टि में उस जमीन पर यहां किसान एक राजनीतिक पुरुष के रूप में हमारे सामने अवतरित होते चले गए इतिहासकारों के लिए कहें इसका यह कतई मतलब नहीं कि मैं 19वीं सदी के उन तमाम बहुत सारे जो कृषक विद्रोह छोटे मोटे कृषक और आदिवासी विद्रोह हुए उनको इग्नोर कर रहा हूँ मेरा कहने का आशय महज इतना है कि महात्मा गांधी के द्वारा के पहल के बाद से ही किसानों को एक राजनैतिक इकाई के रूप में उनके मोबिलाइजेशन उनकी चेतना आदि का उनके संगठन आदि का मसला इतिहासकारों के लिए मानिकेज होने लगा लेकिन इस समय भी और आप एक तरह से कहें तो 1940 के दशक तक भी जो गांव के अध्ययन कृषक समुदाय को लेकर अप्रत्यक्ष अध्ययन हुए वहां गांव या कृषक एक आर्थिक यूनिट के रूप में ही अधिक अकादमिक शोधों में हमारे सामने आता है न कि राजनीतिक चेतना से लैस कोई समुदाय दूसरी तरफ इतिहास की जमीन पर भी किसानों के इतिहास को लेकर कम कुल मिलाकर एक उपेक्षा का ही माहौल हम देखते हैं जो ग्रामीण समुदाय या तो उसको आर्थिक यूनिट की तरह स्टडी किया जा रहा है इस इस दौरान या फिर गांधीवादी नज़रिए से जहाँ की गांव बगैर किसी भेद के फिर से वही पुरानी बात भोले भाले सरल ग्रामीण जनता का समाज वही फ्रेम रहा 1950 के दशक तक आप कह सकते हैं और 1950 में नेहरूवादी आधुनिकता औद्योगिकरण की ज़रूरत इसलिए गांव के विकास की जरूरत आदि का की जरूरत आदि महत्वपूर्ण बिंदु हमारे सामने आते हैं जब पहली बार बड़े पैमाने पर ग्राम अध्ययन हम देखते हैं एम एन श्रीनिवास एंथ्रोपोलॉजी की दृष्टि से या उन्होंने जिस परंपरा की शुरुआत की ग्राम अध्ययन की वह अगले दो तीन दशकों तक उसका बोलबाला रहा उस परंपरा के भी कई अलग अलग पक्ष हैं वह कोई मोनोलिथिक या एक ही किस्म का अध्ययन हो रहा था ऐसी बात नहीं है अलग अलग, अलग एंथ्रोपोलॉजिस्ट की स्थापनाएं अलग अलग, अलग रहीं लेकिन उस विस्तार में जाने के बदले यहाँ गौरतलब यह है कि पहली बार 1950 के दशक से जो एकीकृत या आइसोलेटेड विलेज का की जो अवधारणा थी सेल्फ सफिशिएंट विलेज की अवधारणा वो अब टूट रही थी और जिसमें पहला जिसकी तरफ पहला आक्रमण हम देख चुके हैं कि राधा मुखर्जी ने ही 1920 से पहले ही कर चुके थे 1960 उन्नीस सौ साठ का दशक अब इस बात को के लिए शायद वैचार की तैयार हो चुकी थी कि यह जो ग्रामीण समुदाय की बात की जा रही है वहां कृषक समुदाय की पहचान की जाए और कृषक समुदाय पर ध्यान केंद्रित कर उसकी संश्लिष्टताओं उसके इतिहास उस उसके ऊपर हो रहे शोषणात्मक प्रक्रियाओं को समझने की जरूरत तो इतिहास में इस कृषक समुदाय की भागीदारी उसकी उपस्थिति पर अब बेहद फोकस तरीके से आप कह सकते हैं इतिहासकारों के बीच यह बात शुरू हुई यहां साथ ही मैं एक और खास हस्तक्षेप जिसका जिक्र करना चाहूंगा जो बर्नार्ड कोहन के कामों से हमें दिखता है यहां एंथ्रोपोलॉजी और इतिहास इसके बीच की खाई भी धुंधली प्रति हमें नज़र आती है क्योंकि एम एन श्रीनिवास की परंपरा या ग्राम अध्ययन की परंपरा जिसकी बात मैंने अभी कही वहाँ इतिहास से कम ही ताल्लुकात रहा लेकिन उस उस खाई को उस अंतर को पाटने का काम बर्नार्ड कोहन में हमें दिखता है जब वे इस बात पर बल देकर कहते हैं कि यदि भारतीय समाज पर ब्रिटिश हुकूमत के प्रभाव को समझना है तो हमें गांव की संरचना में पिछले डेढ़ सौ दो सौ सालों में आए आ रहे बदलावों की प्रक्रिया को समझना होगा किस प्रकार ब्रिटिश नीतियों ने गांव की संरचना को प्रभावित किया गांव के सामाजिक संबंधों को प्रभावित किया यह समझने की जरूरत है और यह एक महत्वपूर्ण पड़ाव इस इतिहास लेखन में हमें नज़र आता है उन्नीसवी उन्नीस सौ साठ का दशक जब पीजेंट स्टडीज जो एक जर्नल के तौर पर 1970 के दशक में हम देखते हैं लेकिन किसानों के ऊपर के विमर्श की शुरुआत जैसा मैंने अभी कहा उस समय भी खासकर जो मार्क्सवादी नजरिए से इतिहास लिख रहे थे या गैर मार्क्सवादी नजरिए से भी इतिहास लिख रहे थे दोनों ही के बीच जो विमर्श का मुद्दा फिर से भू स्वामित्व भूमि का मालकाना हक या प्राचीन और मध्यकाल के समय लैंड रेवेन्यू की बात मध्यस्थों की भूमिका मध्यस्थ मद, गांव और राज्य के बीच के मध्यस्थों का स्वरूप ये मुद्दे इतिहासकारों को आकर्षित करते रहे जमींदारी मनसबदारी प्रथा या सामंतवाद के ऊपर का विमर्श यही कुल मिलाकर हमें किसान इतिहास की समझ ये हमारे लिए बना रहे थे धीरे धीरे यह 1960 से शुरू हुआ पहल अच्छा यहां एक बात और भी जोर देने की जरूरत है कि 1960 के सेकेंड हाफ में हम नक्सल आंदोलन देखते हैं जिसने इतिहासकारों की एक नई पीढ़ी पैदा की जो किसानों के उत्पीड़न को ऐतिहासिक नज़रिए से देखना चाहती थी और इस पीढ़ी ने के लिए कृषि कृषि के क्षेत्र में हो रहे औपनिवेशिक प्रभाव किसानों की बदलती परिस्थितियां सब कुछ महत्वपूर्ण होता चला गया तो इस परिस्थिति ने इन इस 1960 के दशक ने एक तरह से कहें कि 1970 के मध्य के दशक में आते आते यह जो रुझान था वैचारिकी का समाज विज्ञान का या फिर इतिहास का गांव को लेकर और किसक समाज को लेकर उसे एक कॉन्सोल्टेटेड फॉर्म में आप कर सकते हैं बहुत तीक्ष्णता के साथ मध्य सत्तर के दशक में हम बेहद उग्र विवाद पाते हैं भारतीय इतिहास में जहां जिसे अक्सर मोड ऑफ प्रोडक्शन डिबेट के नाम से भी जाना जाता है जहाँ कृषि के वाणिज्यिकरण का मसला हो औपनिवेशिक नीतियों परमानेंट सेटलमेंट या रैयतवाड़ी और महलवाड़ी सेटलमेंट इन इलाकों में किसानों की दशा दिशा क्या रही किस तरह के बदलाव आए औपनिवेशिक काल में किसानों की अवस्था को लेकर यह सब आर्थिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गया मोड ऑफ प्रोडक्शन डिबेट जब हम बात करते हैं शायद मैंने पहले भी लेक्चर में इस बात को रेखांकित किया कि यह मार्क्सवादी नजरिया इतिहास को समझने के लिए उसमें यह एक अहम प्रस्थान बिंदु है जो एक तरफ तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन इन दो से तय होता है और दूसरी तरफ इसका तीसरा आधार है रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन अर्थात उत्पादन की प्रक्रिया मोड ऑफ प्रोडक्शन का समीकरण उत्पादन के साधन उत्पादन के तरीके जिसमें उत्पादन की तकनीकीगत पहलू और तीसरा उत्पादन के संबंध इन तीन पर उत्पादन की प्रक्रिया निर्भर करती है और इस इस समीकरण के जरिए किसानों के इतिहास उनकी बदलती परिस्थितियां भारतीय ग्रामीण समाज के की, की बदलती परिस्थितियां इनको समझने का इसने एक फ्रेम दिया और यह काफी प्रभावशाली फ्रेम रहा यही वह दौर था जब मार्क्सवादी ऐतिहासिक सिद्धांत से प्रभावित होकर इतिहासकार गांधीवादी राष्ट्रवादी आंदोलन में किसानों की भूमिका के क्षेत्रीय विविधताओं का भी आकलन कर रहे थे कैसे उत्तर प्रदेश में या फिर दक्षिण में अलग अलग इलाकों में बिहार में किस तरह से किसान भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसका आकलन जैसे चंपारण के संदर्भ में जैक पौचपदाश का काम जिसमें उन्होंने दिखाया कि दरअसल चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी को समर्थन देने वाले और उस आंदोलन में शरीक होने वाले जो किसान थे वो किसानों के ऊंचे तबके से आते थे न कि निचले स्तर के किसान थे तो इस तरह से किसान समुदाय की भागीदारी का एक डिफ्रेंशिएटेड पिक्चर भी अब आकार लेने लगा था और यहाँ से एक अलग प्रस्थान बिंदु हमारे लिए सवाल्टन स्टडीज के इंटरवेंशन से खुलता है जिसकी बात हम विस्तार में पहले कर चुके हैं लेकिन जो गौरतलब है वह यह कि जिसे फिर से दोहराने की जरूरत है कि रंजीत गुहा की अगुवाई में जो यह उपाश्रित इतिहास लेखन सवर्टन स्कूल डेवलप हुआ 1980 के दशक के शुरुआत से वहाँ अब कृषक चेतना की बात की जाने लगी और इस बात पर बल दिया जाने लगा कि कृषकों की भागीदारी को उनकी राजनीतिक गतिविधियों को उनके नजरिए से हम देखना हमें देखना चाहिए न कि किस तरह से राष्ट्रवादी शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें क्या कैसे उनको उनका नेतृत्व तो किया वह अब इस स्कूल के इतिहासकारों के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना कि पीजेंट कंससनेस सवॉल्टन कंससनेस उनके टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट टर्म्स ऑफ इंटरवेंशन और इससे एक राजनीति की भी एक डिसजंक्चर्ड लैंडस्केप आप जिसे कह सकते हैं अर्थात राजनीति की जो जमीन थी वह कैसे टुकड़ों में बटी हुई थी संकल्पनात्मक स्तर पर कहें या ग्राउंड लेवल पर राजनीतिक व्यवहार की दृष्टि से राजनीतिक हस्तक्षेप के दृष्टि से और इससे न मात्र किसान एक आर्थिक यूनिट से बहुत अलग हटकर राजनीतिक यूनिट के रूप में हमारे सामने आते हैं बल्कि वह उनके अपनी सब्जेक्टिविटीज़ उनकी अपनी चेतना महत्वपूर्ण है किन कारणों से किस तरह वे राजनीतिक आंदोलनों में शिरकत कर रहे थे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शिरकत कर रहे थे यह महत्वपूर्ण हो गया डेविड हार्डिमन ने खेड़ा के संदर्भ में गुजरात में खेड़ा के संदर्भ मध्य गुजरात में खेड़ा के संदर्भ में इतिहास लिखा ज्ञानंद पांडे ने उत्तर प्रदेश के संदर्भ में साहिद अमीन ने चौरी चौरा के संदर्भ में स्टीफेन हनिंगम ने उत्तर बिहार में हो रहे स्वामी विद्यानंद के अगुवाई वाले आंदोलन के बारे में लिखा और एक ऐतिहासिक अध्ययनों की किसानों की भागीदारी उनकी राजनीतिक समझ के ऊपर एक मुकम्मल ज्ञान मांग में हमारे सामने अब आने लगा है वाल्टर हाउजर ने स्वामी सहजानंद और किसान सभा के ऊपर लिखा तो यहाँ साथ में यह भी रेखांकित करता चलूं कि एक इसका दुष्परिणाम यह भी हुआ कि 1980 के उत्तरार्ध के से 1980 के दशक के अंतिम सालों से आप कह सकते हैं धीरे धीरे किसान आर्थिक इतिहास से गायब होते चले गए और उनका एक उनके ऊपर इतिहासकार तभी ध्यान दे रहे हैं जब वे किसी राजनीतिक आंदोलन में शिरकत कर रहे हैं एक पहले वे आर्थिक इकाई थे अब वे इतिहासकारों के लिए एक राजनैतिक इकाई हो गए अब भी उनके जीवन को संपूर्णता से समझने में इतिहासकार उस उस पक्ष को इग्नोर ही करते रहें कम से कम हमें ऐसा ही मिलता है दूसरी तरफ कहें तो मैं अपनी बात को यदि क्वालिफाई करता चलूं तो अब आर्थिक इतिहास में किसान समुदाय जो माइग्रेंट वर्कर के रूप में तब्दील हो चुका है लेकिन साथ साथ जो अपने जड़ों के साथ निरंतरता कायम रखे हुए है संपर्क बनाए रखे हुए हैं क्योंकि यह सीजनल माइग्रेंट है तो किसान और श्रमिक का जो दोहरा भूमिका है वह अब आर्थिक इतिहास के लिए केंद्र का विषय हो गया तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो मैंने रेखांकित करने का प्रयास किया है कि किस तरह से इतिहास में समय के साथ किसानों के बरक्स इतिहासकारों का रवैया बदलता रहा और इस बदलते रवैये ने किसान समुदाय की संकल्पना उनकी भागीदारी उनके राजनीतिक स्वरूप या उनके आर्थिक स्वरूप के मुद्दों को अलग अलग समय में हमारे इतिहास के पन्नों में अलग अलग तरह से उसकी संश्लिष्टता को सामने रखा यही 1980 के बाद का दशक खासकर 1990 में हम पाते हैं नब्बे के दशक में जब इतिहासकारों के एक वर्ग ने इन दोनों ही पक्षों राजनीतिक और आर्थिक पक्षों से इतर भी या इनसे जुड़े हुए जो और सरोकार थे जीवन के जैसे धार्मिकता का प्रश्न और किस तरह से पीजेंट के पॉलिटिकल एक्टिविटीज को उसके राजनीतिक स्वरूप को हम उसके सांस्कृतिक या धार्मिक गतिविधियों से उस इतिहास से अलग कर नहीं देख सकते हैं यह हमारे सामने उभार कर लाए जिसमें मैं यहां यदि एक नाम का जिक्र करना चाहूंगा तो वो विलियम पिंच उन्होंने किसान और उनका जो अलग अलग व्यापक भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए जो अलग अलग संप्रदायगत पहचान है उनके बीच के संबंध को हमारे सामने रखा ऐतिहासिक शोध के रूप में किस तरह यही किसान एक धार्मिक संप्रदाय के नेटवर्क का आधार भी बनता है जैसे यदि आप में से कुछ को बंकिम चंद्र की आनंद मठ का स्मरण हो तो वहाँ हम जो अंग्रेजी हुकूमत की जो तस्वीर पाते हैं क्षमा करे वहां जो हम जो विद्रोहियों की तस्वीर पाते हैं उसका एक धार्मिक संप्रदायगत उसका स्वरूप है जो भक्ति परंपरा वैष्णव परंपरा आदि से जुड़ जाता है तो इस तरह की जो जो नाते रिश्ते रहे राजनीति के किसान समुदाय के उसकी तरफ भी इतिहासकारों ने ध्यान देना शुरू किया यही समुदाय है जो कि मध्यकाल से ही हम देखें जो सिप और बाद में कंपनी प्रशासन के समय खासकर जो सिपाही वर्ग भी बनता है जो मिलिशिया का भी रूप लेता है तो जो सैनिक का भी कार्य करता है तो ये जो किसान के अलग अलग स्वरूप हैं अलग अलग पक्षों के इतिहास की तरफ हमें ले जाते हैं यहाँ कैटेगरीज और जो इतिहास के भीतर के अलग अलग सब डिसिप्लिन के जो बाउंड्रीज हैं जो सीमाएं हैं वो ब्लर होने लगती है और पिछले 20 सालों में हम देखते हैं कि यह जो सीमाओं के क्रमशः मिटने की बात बाउंड्रीज के ब्लड होने की बात जहां जो राजनीतिक है वही धार्मिक भी हमारे सामने होता है वही आर्थिक भी होता है तो ये जो एक दूसरे से जुड़ाव की बात है यह एक महत्वपूर्ण चुनौती के तरह भी और कई अंतर्दृष्टियों के साथ भी हमारे सामने आता है और अब एंथ्रोपोलोजिस्ट और इतिहासकारों के के बीच का जो डिसिप्लिनरी बाउंड्री है जिसे बर्नार्ड कोहन के समय ही ध्वस्त होता हम देख रहे हैं वह और भी बहुत फ्रूटफुल तरीके से हमारे सामने वह ब्लडिंग आता है नए तरह से शोध हो रहे हैं और किसानों की भागीदारी को भी नए तरीके से नए सवालों के साथ हम उनकी स्मृतियाँ उनके अतीत की बात करते हैं जैसे विनायक चतुर्वेदी ने जब मध्य गुजरात के किसानों की भागीदारी के ऊपर काम किया उस इतिहास को काम किया तो उन्होंने उसे पीजेंट्स हिस्ट्री न कहकर पीजेंट्स पास्ट कहा और वह भी एक प्लूरलिटी के साथ बहुवचन में या अतीत है तो यहाँ कहने का मूल आशय है कि एक तरफ तो प्रेजेंट कैटेगरी की जो रूढ़िगत बातें हैं उस पर सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं जहाँ 1970 और 80 के दशक में प्रेजेंट की परिभाषा को लेकर विवाद हो रहे थे अब इतिहासकार उन परिभाषा जनित विवादों से बचकर अधिक पहने सवाल हमारे सामने उभार कर ला रहे हैं जिससे इतिहास की हमारी समझ एक साथ अधिक संश्लिष्ट हो रही है और दूसरी दूसरे तरफ उसमें अधिक क्लैरिटी भी आ रही है तो दोस्तों मैं यहाँ अपना यह लेक्चर समाप्त करता हूँ आगे अगले लेक्चर में इसी तरह एक नए स, नए विषय के साथ हम लोग बात करेंगे और उस विषय के ऊपर जो इतिहास लेखन की बदलती प्रवृत्ति इतिहासकारों के बदलते सरोकार रहे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे शुक्रिया